आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है। दिल्ली की राहुल रेवन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल के रिमांड दी है। इस बीच कोर्ट के अंदर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। केजरीवाल ने न्यूज एजेंसी के साथ लंबी बातचीत में अपनी गिरफ्तारी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे यकीन है कि हमें दिक्कतें आएंगी लेकिन हम इसी से काम करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता यही चाहती है। अपनी हेल्थ को लेकर केजरीवाल ने कहा कि हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास है। ईडी के अचानक आने पर केजरीवाल ने कहा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मैंने नहीं सोचा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी इतनी जल्दी मुझे गिरफ्तार करने आएगी। सोचा कि वे गिरफ्तारी से पहले कम से कम 2-3 दिन इंतजार करेंगे, मुझे अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि ईडी मुझे ले गए, ईडी के आने से पहले माता पिता के साथ बैठा था। उन्होंने आगे कहा कि ईडी अधिकारियों ने अच्छा और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, कल रात कोई पूछताछ नहीं हुई, हिरासत के दौरान भी ज्यादा पूछताछ होने की उम्मीद नहीं है, क्या आप डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, उन्हें जो भी चाहिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। इनका उद्देश्य पूछताछ करना है तो है, इनका उद्देश्य पूछ करना तो है ही नहीं, जनता का समर्थन ही मायने रखता है। केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिंग बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीति कई स्तरों से गुजरी, विधि सचिव, वित्त सचिव सभी ने हस्ताक्षर किए, एलजी ने भी किए हस्ताक्षर। समझ नहीं आता कि केजरीवाल और सिसोदिया ही कटघरे में कैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।